कुछ ना कुछ प्रयास करन दी कोशिश कीती, पर उत्थे असी पंजाब सरकार दी अनगहली दा पूरी तरह शिकार है। किस तरह दा संघर्ष होएगा, उहदी रूपरेखा? काम बंद किया जाएगा टोटल पंजाब दा, वो पूरे अस दरिया ते बैठांगे। केसरी विरासत विच तुहाडा हार्दिक स्वागत। जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि समाज दे विच करोना वायरस बुरी तरह फैल चुका और भारत विच इह आम लोगों तक ना पहुँच जाए उदो बचाव वास्ते सरकार ने लॉकडाउन किया होया, और इत्थे जिन्हें भी पेशेंट आ रहे हैं उन्हों का इलाज करने वास्ते साडा जिहड़ा डॉक्टर वर्ग है, हस्पतालों नाल संबंधित मैडिकल सहूलतों नाल संबंधित स्टाफ है, वो दिन रात मेहनत करन लगा होया। उत्थे एक अजिहा वर्ग भी है जो साडी सेहत की सदा रखवाली करने वास्ते दिन रात तत्पर रहिंदा, उहनूं आपां कहिंदे सफाई कर्मचारी वर्ग। सफाई कर्मचारी वर्ग इस लॉकडाउन के दौरान भी अजिहा वर्ग है जो डॉक्टरों के वांग दिन रात साडी सेवा लई तत्पर है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी संगठन के साढ़े नाल जलंधर तो ने अशोक वाल्मीकि जी, असी उन्हां नाल ते उन्हां दे साथियों नाल गल करके जाणांगे कि इस वेले की हालात चल रहे हैं, सफाई कर्मचारी इस वेले की महसूस कर रहे हैं। नमस्कार जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है केसरी विरासत का, जिन्होंने इस दुख के टाइम के सफाई कर्मचारियों की सार लैण का प्रयास किया, और मैं बहुत धन्यवादी हाँ अपने सफाई कर्मचारी साथियों का, खास करके पंजाब जलंधर के लोकल प्रशासन का, जिवें कि पुलिस प्रशासन डिप्टी कमिश्नर जलंधर साहब का, जिन्होंने साडे वास्ते कुछ ना कुछ प्रयास करन दी कोशिश कीती, पर उत्थे असी पंजाब सरकार दी अनगहली का पूरी तरह शिकार हैं। क्योंकि अज पंजाब सरकार वल्लों लॉकडाउन के तीसरे दिन सफाई कर्मचारियों नूं सिर्फ एक 10 मिलीग्राम का जिहड़ा सैनिटाइजर दिता गया, टंपरेरी जिहड़े मास्क दिते गए, टंपरेरी जिहड़े ग्लव्स दिते गए, जिन्हां नूं पा के एक सफाई कर्मचारी कदी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। दूसरी चीज़ जिहड़ी उन्होंने सैनिटाइजर दिता, वह सैनिटाइजर जिहड़ा है जिस हिसाब ने सरकार ने सानूं दिता है वह सिर्फ एक दिन वास्ते है, क्योंकि जदों सफाई कर्मचारी ने आना अपने हत्थां नूं सैनिटाइज करना, अपने झाड़ू नूं सैनिटाइज करना, और उस तो बाद जदों उन्हें काम खत्म करके हटना फिर उन्हें अपने हत्थां नूं सैनिटाइज करना, फिर जदों घर जाना फिर उन्हें अपने हत्थां नूं सैनिटाइज करना, अपनी बाइक नूं, साइकिल नूं, स्कूटर नूं सैनिटाइज करना। सो वो जिहड़ा 10 मिलीग्राम का सैनिटाइजर दिता वो केवल एक दिन वास्ते सी, और अज 2 महीने होण लगे लॉकडाउन होए नूं पंजाब नूं। 2 महीने दे विच सानू ना तां सैनिटाइज करन वास्ते साबुन दिता गया, ना सैनिटाइजर दिता गया, ना ग्लव्स है, ना साडे को मास्क है, और ना ही किसी किस्म की साडे कोई एंटीबायोटिक मेडिकल फैसिलिटी है जिहदे नाल साडे कर्मचारी सफाई कर्मचारी साथी जिहड़े है वह सुरक्षित रह सकन। जिथे सरकार बाकी अमीरां दा होर लोकां दे महल्ले सैनिटाइज करा रही है, घर सैनिटाइज करा रही है, गड्डियां सैनिटाइज करा रही है, मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं, मेरा 110% मनना यकीनी है भी अज तक जिहड़े साडे घर है, जिहड़े साडे महल्ले है, उन्हां नूं सरकार वल्लों प्रयास नहीं किया गया कि सैनिटाइज़ कराया जा सके। सो असी सरकार नूं यह बेनती भी और ये चेतावनी है भी जे दुख दे टाइम दे विच असी इन्ना साथ सरकार दा दे रहे हैं तो उन्हूं साडे वल जरूर मतलब देखना चाहिए। अच्छा, ये दसो मैनू कि इस तों अलावा एक मामला आया सी एक पंजाब दे मंत्री साहब दा, तो उदे बारे की कहना चाहते हो, तुसीं खुल के डिटेल दसो साढ़े दर्शकों को, दसो कि की मामला है और उदे बारे तुहाडे की विचार ने। साढ़े कांग्रेस के मंत्री है मरिंडे के चरणजीत सिंह चन्नी जी, कैबिनेट मंत्री है, जिथे सारी दुनिया संकट ना गुजर रही है, मौत के साए विच बैठी है, डर रही है, उत्थे ही वो फोटो सैशन कराने वास्ते मरिंडा म्यूनसीपल पंचायत विच गए और जाके सफाई कर्मचारियों ना फोटो सैशन कराण वास्ते गए सीगे कि करोना वायरस के दौर दे विच भी सफाई कर्मचारियों के नाल खड़े होके फोटो कराण, पर उत्थे साडी एक बहुत ही सत्कारयोग बीबी है, उन्होंने मंत्री साहब नूं अनुरोध किया कि मंत्री जी भी 10 साल तो असी केवल 2400 रुपये तनखा दे उत्ते इत्थे काम कर रहे हैं, अज किस्मत नाल तुहाडे नाल मुलाकात हुई है, तुसीं इत्थे आए हैं, तो साडा एक छोटा जिहा अनुरोध है जिहड़ा अगर तुसीं स्वीकार कर लो तो साडे ते बड़ी किरपा होगी। 2400 रुपये महीने की बजाय जे साडी नौकरी रैगूलर कर दो तो असी सारे सफाई कर्मचारी साथी जिहड़े तुहाडे आभारी होवांगे। पर मंत्री साहब का जिहड़ा अड़ियल एटीट्यूड देख के उत्थे सारे सफाई कर्मचारी
उस कमेटी दे ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब का सफाई कर्मचारी पूरे हिंदुस्तान का सफाई कर्मचारी एकदम झटका खा गया, एकदम शॉक हो गया। मंत्री साहब ने सीधा ही उन्होंने आवाज़ मारी भी ये बीबियाँ बोलदियाँ बहुत है, इन्हों कढ़ दो। जबकि उस मंत्री साहब के प्रोटोकॉल दे विच ये चीज़ नहीं आती, क्योंकि लोकल बॉडी मिनिस्टर साहब की ड्यूटी बनती है इहो जिहा आदेश जारी करना, ना कि कोई भी कैबिनेट का मंत्री उठ के कह सकता भी ये सफाई कर्मचारियों को कढ़ दो। सो असी जिहड़ी है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी संगठन जालंधर जिहड़ी है वह साडे अध्यक्ष रिंपी कल्याण जी, चेयरमैन पवन बाबा जी, वाइस प्रेजिडेंट गोपाल खोसला जी और तमाम सफाई कर्मचारी साथियों की अगवाई हेठ इस चीज़ की कड़ी निंदा करती है। अगर उन्होंने सफाई कर्मचारियों को कढ़िया गया तो हो सकता पंजाब के लिए हालात जोड़े वो खराब हो जाए। साड़ी ये बेनती है मंत्री साहब न चन्नी जी नू कि वह भी दलित भाईचारे तो मंत्री ने, उन्होंने इन दावनावान का ख्याल रखना चाहिए और सहानुभूतिपूर्वक जिस तरीके अज मौत के साए के साडे देश का सफाई कर्मचारी अपने आप को समर्पित करके बैठा, उन्होंने इंसानियत के तौर पर इन समर्पित होना चाहिए। अच्छा ये दसो कि अगर मंत्री जी अपना ये दिता हुआ आदेश वापस नहीं लेंदे ते तुहाडी यूनियन वालों किहो जिहे प्रोग्राम की रूपरेखा जी लिखी जाएगी विरोधी? जे चन्नी जी ने हुक्म वापस ना लिता तो अभी पूरे पंजाब संघर्ष करांगे और उन्होंने विरोध करांगे। 2400 रुपया तनखा देखो 80 रुपये दिहाड़ी नहीं बनती, किस तरह का संघर्ष होएगा उसकी रूपरेखा? पूरे काम बंद किया जाएगा टोटल पंजाब का, वो पूरे अभी दरिया से बैठांगे जिन्ना चक्कर वो बंदियां नूं 2400 लग पक्के ना किया जाए और रेगूलर किया जाए। ये जिहड़ा बीबी का मामला आया इहनूं किन्ने दिन तक तुसीं इंतजार करोगे? असीं देखो जी 2-4 दिन देखना, जे उन्होंने नहीं किया तो पूरा संघर्ष चालू करांगे। ये कला मरिंडे का नहीं मामला है, पूरे पंजाब का मामला, पूरे पंजाब के मामले शोषण हो रहा जिन्ने पुलिस का, जिदा असं सहयोग करते हैं पंजाब पुलिस को भी इन्हों सा सहयोग करना चाहिए। ये मंत्री साहब को देखना चाहिए भी दिन रात असं काम करते हैं घरों बाहर आने हैं कि सानू भी डर लगता साढ़े भी बच्चे घर आ भी असं भी इस बीमारी तो जूझ रहे हैं। जे लोगों तो घर सेफ कर रहे भी तुम सेफ रहो, असं तुहाडे नाल लड़ रहे हैं, ये योद्धे है साढ़े सैनिक है, सलूट है सफाई कर्मचारियों जे सड़क के उत्ते दिन रात काम करते हैं। बिल्कुल जी, और उम्मीद करते हैं कि आवाज़ जी उठाई गई है यूनियन वालों यदि आवाज़ नूं पंजाब सरकार बहुत गंभीरता नाल लवेगी और इहो जिहा कोई काम नहीं करेगी जिहदे नाल करोना के खिलाफ लड़ने वाले जिहड़े करोना योधे ने इन्हां दा मनोबल किसी तरीके नाल जिहड़ा ओह नीवा आवे। और उम्मीद करते हैं कि ये गल्लबात तुहानूं पसंद आई होगी, तुहानूं लगता कि ये बिल्कुल जायज़ मामला उठाया गया तो इस वीडियो नूं लाइक जरूर कर देना, शेयर करना और इस नूं चैनल नूं साडे नूं सबसक्राइब कर लेना ता जो इहो जिही जिहड़ियां लोकां दीआं समस्यावां ने ओह असीं बार बार तुहाडे कोल फिर लैके उठाउंदे रहिए, तां सब तों पहलां वीडियो तुहाडे कोल पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।